आपको विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाथरस हादसे की। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें एसआईटी ने शासन को सौंपी रिपोर्ट। आज सीएम के सामने पेश की जा सकती है रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई संभव। एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ की अगुवाई में बनी एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर आप कह सकते हैं एक बड़ा एक्शन संभव है, हो सकता है, लिया जा सकता है। एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय मौजूद है। ऋषभ मणि, हाथरस हादसे से जुड़ी हुई एसआईटी ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी है, क्या माना जा सकता है? जब आप मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी तो अब बड़ा एक्शन मान के चल सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लेने जा रहे हैं इस मामले पर? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में सैटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट कल ही देर शाम शासन को सौंप दी है और आज वो मुख्यमंत्री के सामने रखी जा सकती है। काफी विस्तृत रिपोर्ट है और उसमें तमाम लोगों के उन्होंने बयान दर्ज किए हैं जो वहाँ के आयोजक थे, कई लोगों के उसमें भी बयान है, कई वहाँ के सेवादार हैं, जो लोग शामिल होने आए थे उनके बयान है, पुलिस प्रशासन के अफसरों के बयान है, तमाम अन्य जो विभाग शामिल थे, आयोजन से जुड़े हुए उनके भी बयान है। तो उन बयानों के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। ये माना जा रहा है आज वो रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और ये भी तय माना जा रहा है जैसे ही रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की जाएगी, जिसकी जितनी गलती होगी, जिसकी जितनी जिम्मेदारी होगी, उसके मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई तय है। ये माना जा रहा है पुलिस प्रशासन के कुछ अफसरों पर इस हाथरस मामले की जांच गिर सकती है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए।